हार्दिक पटेल के एक और साथी ने भी आरोप लगाया कि पैसे का लालच देकर उसे बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की गई। हार्दिक के सहयोगी अतुल पटेल का दावा है कि एक बिचौलिए ने उनसे फोन पर बात की और बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अतुल पटेल ने एबीपी न्यूज से बात की, सुनिए। गुजरात विधानसभा चुनाव की अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और इससे पहले बीजेपी पर यहां पर गंभीर आरोप लग रहे हैं खरीद फरोख के। हमारे साथ अतुल पटेल मौजूद हैं जो कि हार्दिक पटेल के साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे आंदोलन में उनके साथ रहे हैं। अतुल जी, आपने भी एक बड़ा खुलासा किया है कि आपको भी इस तरीके का खरीदने की कोशिश की गई थी, क्या हुआ था, हमें ठीक से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, एक अननोन पर्सन, ऐसे वो मुझे जानता है लेकिन मैं उसे फेस टू फेस नहीं जानता हूँ, उसका कल फ़ोन आया था। उसने मेरे रिलेटिव का पहले कांटेक्ट किया, मेरे रिलेटिव ने बोला एक बंदा तेरे से बात करना चाहता है, तो मैं बोला हरकत नहीं, बात कर सकता हूँ मैं, तो उसका बाद में फ़ोन आया। तो जैसे दो दिन पहले हमारे जो अग्रिम पंक्ति के आंदोलनकारी है उसको बीजेपी ने उसके पार्टी में शामिल कर दिया, जो भी है पैसों से या जो भी से शामिल कर दिया, तो उसके हिसाब से ये लोगों ने सोचा कि अभी अग्रिम पंक्ति में कौन बाकी हार्दिक के साथ, तो आंदोलन में से निकाल दे तो आंदोलन का जो है पूरे पूरा ख़त्म हो जाए। और वो पर्सन ने जो बात किया उसका बोलने का सारांश ऐसा था के दो दिन पहले आंदोलनकारी जो तुम्हारे साथ थे वो सरकार के साथ बैठक करके हमारे बीजेपी में बैठ गए, तो आपकी इच्छा है मुलाकात करने की तो मैं आपको मीटिंग करवा देता हूँ और वो बंदे को जितना मिला है उससे भी ज़्यादा आपको मैं पैसा दिलवा सकता हूँ। तो मैंने उसको साफ शब्दों में बता दिया कि भाई मैं नहीं आ सकता, मुझे इच्छा नहीं है, मैं अमित शाह को पूरे बहुत सालों से पहचानता हूँ, हमारे नज़दीक के हैं लेकिन मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। किससे बैठक की बात की उन्होंने, किससे मिलवाने के लिए कह रहे थे? जो हमारे दो आंदोलनकारी थोड़े दिन पहले मिले सरकार में बैठ गए वो लोगों के साथ बैठक कराने की बात हुई कि जो आपको छोड़कर गए उन्हीं से आपकी बैठक करवा देते हैं और आप पार्टी में आ जाएं। सरकार से हाँ। सरकार में किससे, क्या इस तरीके की कोई बात? नाम नहीं बोला शायद, लेकिन उसने दूसरी बार जब फोन आया तो उसने नाम भी बताया, मेरा अमित शाह का नाम बताया। जिसने आपको ऑफर दिया क्या उसकी पहचान आपको पता लग पाई वो कौन था, पार्टी से कोई था या फिर कोई बिचौलिया था जिसे बोला गया आपसे बात करने? नहीं, पार्टी का तो मुझे नहीं लगा लेकिन कोई बिचौलिया लगा, और उसका नंबर भी है और रिकॉर्डिंग भी है। जब रिकॉर्डिंग आप हमें सुनाएंगे कि अतुल पटेल का ये बड़ा दावा है। रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, चूंकि ये गुजराती में हम समझना चाहेंगे आपसे कहा क्या गया। कहा ऐसा गया कि तुम्हारे जो मित्र है पास के जो है वो जब सरकार में जुड़ गए तो आप भी हमारे साथ मिल सकते हो, मीटिंग करना है तो मैं आपको करा सकता हूँ और बड़ी डील आपको मैं दिला सकता हूँ। कुछ हथकंडा चलने वाला नहीं है, चाणक्य नीति जो अमित शाह की है सुपर डुपर फ्लॉप गुजरात के अंदर हो रही है। तो इसका एकमात्र विकल्प आपको लगता है कि कांग्रेस को जिस तरीके से अल्पेश ठाकुर उसमें शामिल हो गए, अब क्या वही मात्र तरीका बचा है कि कांग्रेस को साथ दिया जाए और फिर बीजेपी को परास्त किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात का हिस्ट्री रहा है पिछले 70 साल के बाद, आजादी के समय के बाद, के यहाँ कोई तीसरा परिबल है वो आगे नहीं आ पाया, इसलिए हमारे पास बीजेपी को परास्त करने के लिए एक ही विकल्प कांग्रेस है और इसीलिए वो विकल्प हम सब चुन के आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है अतुल पटेल जिनका बड़ा ये आरोप है बीजेपी पर कि किसी बिचौलिए के जरिए उन्हें कॉन्टैक्ट किया गया। इनके पास एक ऑडियो सबूत भी मौजूद है, इनका साफ तौर पर कहना है कि उसके जरिए इन्हें कॉन्टैक्ट करके बीजेपी भी शामिल कराने की कोशिश की गई, कहा गया जितना आपको पैसा चाहिए वो भी आपको दिया जाएगा। हालांकि इन्होंने इस ऑफर को तो ठुकरा दिया है, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब बीजेपी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाएगा, भले ही उसके लिए इन्हें कांग्रेस का साथ ही क्यों ना देना पड़े। कैमरा पर्सन हेमंत सूद के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, गांधीनगर। तो पाटीदार नेता लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं खरीद फरोख्त का, अब देखना होगा कि इसका असर चुनावों पे क्या पड़ता है, क्योंकि इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।